नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर और मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आइए फटाफट नजर डालते हैं खबरों की रफ्तार पर। जम्मू कश्मीर पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी धारा 370 के सभी नियम। राष्ट्रपति ने इस बिल को दी मंजूरी। तो वही इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। साथ ही घाटी को धारा 370 के जरिए जो विशेष अधिकार मिले हुए थे वह भी खत्म हो गए हैं। बता दें कि इसके अलावा केंद्र सरकार ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया है, यानी कि लद्दाख अब एक अलग राज्य होगा। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि यहां रहने वाले लोग अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बयान जारी करके कहा कि भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 1947 में जिस भरोसे के साथ भारत से जुड़ा था आज वह टूट गया है। भारत सरकार के इस फैसले से भयानक दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो वहीं पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर कड़ा विरोध जताया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज का दिन देश के लोकतंत्र में काला दिन है। धारा 370 को रद्द करने का एक तरफा फैसला गैर कानूनी और असंवैधानिक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी की निंदा की है। उन्होंने दावा किया कि ये इस बात का संकेत है कि सरकार अपने उद्देश्य को पाने के लिए सभी लोकतांत्रिक मानदंडों की अवहेलना करेगी। वहीं भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद और दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने भी केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन प्रस्ताव का स्वागत किया है। परेश रावल ने ट्विटर पर लिखा कि आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने पर देश की गरमाई सियासत। बता दें, राजस्थान विधानसभा के बाहर बीजेपी बसपा और निर्दलीय विधायकों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस विधायकों में नाराजगी देखने को मिली। कश्मीर से धारा 370 हटाने पर देश में जश्न का माहौल है। बता दें कि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन के बाहर शिवसैनिकों ने जश्न मनाया। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद में खुशी का माहौल है, तो वहीं मुंबई में रहने वाले कश्मीरी पंडितों और कश्मीरियों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जश्न मनाया। कश्मीर से धारा 370 हटाने पर देश में जश्न का माहौल है। बता दें कि नागपुर में भी लोग धारा 370 हटाने को लेकर खुशी मना रहे हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद में हर जगह खुशी का माहौल है। बता दें, इसको लेकर हैदराबाद में वकीलों ने भी खुशी जाहिर की है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सदन में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर दिखाई दी। बता दें कि मेरठ में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा, मुझे लगता है सरकार को घाटी के नेताओं में विश्वास लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया और तब उन्हें फैसला लेना चाहिए था। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि आंतरिक चुनाव करार वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति से देश में कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता मजबूत होगी। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र पर बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार की ओर से किए गए हैं पेश। तो वहीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मॉब लिंचिंग को लेकर पास किए गए कानून का कांग्रेस विधायकों ने स्वागत किया है। विधायक साफिया जुबेर खान ने कहा कि मॉब लिंचिंग ऐसी समस्या है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी इस पर विचार करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, भाजपा के पूर्व नेता और आरएसएस विचारक के एन गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में मांग की है कि अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और बकरीद के मद्देनजर रविवार को अचानक समस्त अधिकारियों की पूर्व स्वीकृत छुट्टियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी है। बता दें कि अवकाश पर या शासकीय भ्रमण से बाहर गए अधिकारियों को भी प्रत्येक दशा में सोमवार तक मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
राजधानी जयपुर के संजय सर्किल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो वाहन चोर बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। हालांकि पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी की गई एक बाइक भी बरामद की है। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में बाल अपचारियों ने करीब आधा दर्जन वाहन चोरी की वारदात को कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों बाल अपचारी मास्टर से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक के निवाई में बीजेपी कार्यालय पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान आहूजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे टोंक जिले से 1,11,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। कार्यक्रम में टोंक जिला अध्यक्ष गणेश माहौर सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कानून व्यवस्था को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि रात 8 बजे के बाद शराब की दुकानों को बंद करने के निर्देश की कड़ी से कड़ी पालना हो। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हुक्का बार प्रतिबंध का कानून बन गया है और अब कहीं भी हुक्का बार चलता पाए तो संबंधित रेस्टोरेंट्स मालिक पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नाम बदमाश घायल हुए हैं। बता दें तो वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था। बता दें कि उसने पूर्व में भी बुलंदशहर में दरोगा की हत्या की है। इस मामले में पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम का एजेंडा तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर जिले के अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग की बैठक की गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने एक ट्रक से शराब की खेप बरामद की है। बता दें कि इस दौरान पुलिस ने शराब की तकरीबन 20 पेटियां बरामद की। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बाबा भावदस में आज मुरादाबाद में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का पुतला फूंका गया और जाति विशेष शब्दों का इस्तेमाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वहीं वाल्मीकि समाज का कहना है कि सोनाक्षी सिन्हा ने एक फिल्म में वाल्मीकि के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड में उठी बिजली पानी को फ्री करने की मांग को लेकर बता दें कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष किशोर कुमार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 100 यूनिट तक मिली चाहिए बिजली मुफ्त। नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है पूजा अर्चना। तो वहीं नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर में दूर दराज से भक्त पहुंचे। आपको बता दें उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के तहत किसानों को फूलों की खेती करने के बारे में जानकारी दी गई, तो जहां प्रशिक्षण के बाद थल नाचनी बैसकाल गांव में लिलियम के पौधे भी लगाए गए। तो वहीं इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पहाड़ों में फूलों की खेती करने से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही किसानों को 50,000 की राशि का चेक भी दिया गया। सितारगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां कनगरी मोड़ पर चेकिंग के दौरान एक लूटी गई बोलेरो को बरामद किया गया। इस घटना के मास्टरमाइंड जुगराज सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया 32 बोर का एक देशी पिस्तौल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में रविवार को हुई युवक की हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया। बता दें पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुराने शराब माफिया रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जेपी गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने जेपी गुप्ता के घर से 54 पेटी मिलावटी शराब बरामद की है। यूपी के लखीमपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, वहीं मृतक के पास से 3 पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। तो वहीं सुसाइड नोट में कुछ लोगों और ग्राम प्रधान पर आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बहने वाली राप्ती नदी में नाव पलटने से 12 महिलाएं नदी में गिर गई, जिसमें से 11 महिलाओं को ग्रामीण ने बचा लिया, लेकिन एक युवती नदी में डूब गई।